हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कि वो कैसे काम करता है, वो होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने अपने घर में तो बल्ब देखा ही होगा। एक बल्ब एक डिवाइस होता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब। A device that produces light when electricity is passed through it is called an electric bulb. तो इसे हम लोग कहते हैं electric bulb। यहाँ जैसे कि यहाँ पर ये है एक electric bulb। Electric bulb एक अलग अलग colors में आते हैं। The coil inside the bulb glows, producing light and heat when electricity is passed through it is called the filament. तो जो coil होता है अंदर, जो कि यहाँ पर आपको एक coil दिख रहा होगा यहाँ पर, ये तो जो ये पर जो coil है ये लाइट और हीट तब प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करता है, और इस कॉइल को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। या फिलामेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ ए मेटल कॉल्ड टंगस्टन। तो टंगस्टन एक बहुत ही स्ट्रांग मेटल होता है जो कि जिससे फिलामेंट बनाया जाता है। तो फिलामेंट एक मेटल से बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं टंगस्टन। ये हो गया एक टंगस्टन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब एक डिवाइस होता है जो कि लाइट तब प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होता है, और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। जो क्वाइल होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, जो कि यहाँ पर ये है एक, वो ग्लो करता है तब लाइट और हीट ग्लो करता है और लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड ऑफ अ मेटल कॉल्ड टंगस्टन। तो फिलामेंट को एक मेटल से बनाया जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसे हम लोग कहते हैं टंगस्टन। तो ये आज हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। सो प्लीज़ सो विल स्टडी मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।